नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर जा रहे हैं भूतों के गढ़ भानगढ़। यह राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है। इस किले को आमेर के राजा भगवान दास जी ने 1583 में बनवाया था। यह राजस्थान का सबसे हॉन्टेड एंड हॉरर पैलेस माना जाता है। भानगढ़ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। भानगढ़ को आज भी भूतों का गढ़ कहा जाता है। इस गढ़ में एंट्री करते ही श्री हनुमान जी का मंदिर है, जो आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं। यह इस किले का पूरा मानचित्र है। ये तो हम स्टार्ट कर चुके हैं अपना सफर भानगढ़ के लिए। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ खंडहर ही खंडहर नजर आ रहे हैं आपको। आपको ये जो खंडहर दिखाई दे रहे हैं, ये किसी जमाने में घर हुआ करते थे, जहां पर लोग अपना रैन बसेरा करते थे। आज भी यहाँ पर उनकी आत्माएं रहती हैं। यहाँ के आसपास के लोग कहते हैं कि रात को यहाँ पे डरावनी डरावनी आवाज आती हैं। ये जो आप देख रहे हैं, किसी जमाने में यहाँ पे दुकानें हुआ करती थी, बाजार हुआ करता था, जो आज पूरी तरह खंडहर में चेंज हो चुका है। भानगढ़ में सूर्यास्त के बाद किसी को रुकने नहीं दिया जाता। जी हाँ, भूतों का गढ़ भानगढ़ आज भी यहाँ पे रात को भयानक भयानक डरावनी आवाजें आती हैं। यहाँ के रहने वाले आसपास के लोग यही कहते हैं कि आज भी यहाँ पे आत्माएं भटकती हैं। वैसे भानगढ़ बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए, लेकिन शाम को 6 बजे से पहले पहले यहाँ से निकल लेना चाहिए। भानगढ़ का किला हमारी विरासत, हमारी धरोहर है। ये मंदिर जो दिखाई दे रहा है, गोपीनाथ जी का मंदिर है, लेकिन यहाँ पर किसी भी भगवान की मूर्ति नहीं है। यहाँ पे यह मंदिर अपने जमाने का बहुत ही प्यारा मंदिर था, और आप यहाँ की जो नक्काशी कारीगरी है देख सकते हैं, यहाँ पे बहुत ही प्यारी, बहुत ही शानदार मंदिर है। ये बहुत ही प्यारा मंदिर। ये है भानगढ़ का किला, जो कि पूरा खंडहर में चेंज हो चुका है। इस किले का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था। इस किले के चार दीवारी के बाहर एक शिव मंदिर है।
साथ ही यहाँ पे छोटे छोटे कुछ मंदिर भी हैं। जहाँ तक नजर जाती है चारों तरफ खंडर ही खंडर नजर आते हैं। भानगढ़ की तबाही का एक कारण तांत्रिक था, दूसरा एक साधु का श्राप था। इसी कारण से ये भानगढ़ पूरी तरह से तबाह हो गया और खंडर में चेंज हो गया। भानगढ़ का तबाह होने का मेन कारण किसी को पता नहीं है।
भूतिया आवाजों के साथ यह वीडियो आपको कैसा लगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट्स में जरूर लिखें। हमें आपका कमेंट्स का इंतजार है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Ha ha ha.